खबर कुशीनगर जनपद से है, जहां समाजवादी पार्टी के नव नियुक्त जिला अध्यक्ष शुक्रुल्लाह अंसारी का गृह जनपद आगमन पर कार्यकर्ताओं ने गर्म जोशी के साथ स्वागत किया एवं कार्यकर्ताओं ने उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया। सभी ने पार्टी निर्णय की सराहना की। इस दौरान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा रहा। शनिवार को लखनऊ से जिला अध्यक्ष शुक्रुल्लाह अंसारी का काफिला सीधे कुशीनगर पहुंचा, जहां जनपद की सीमा पर पहुंचे हैं समाजवादी पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े बजाकर स्वागत किए और माला पहनाकर इसके बाद वह सीधे कुशीनगर की तरफ प्रस्थान कर दिए। जगह जगह कार्यकर्ताओं के द्वारा उन्हें माला पहनाकर स्वागत किया गया। इसी क्रम में हेतिमपुर पहुंचने पर बंटी भैया अपने हजारों समर्थकों के साथ एवं ढोल नगाड़े बजाकर नव नियुक्त जिला अध्यक्ष का स्वागत किया। मैं यही कहूंगा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो मुझ पर भरोसा किया है, श्री अखिलेश यादव जी ने, मैं पूरा पूरा उनके भरोसे पर खरा उतरूंगा। पूरी कोशिश करूंगा कि समाजवादी पार्टी इस जनपद में सबसे मजबूती से उभरे और आने वाला जो हमारे सामने स्थानीय निकाय का चुनाव है, हम मैक्सिमम सीटों को जीत करके समाजवादी पार्टी को झोली में डालने का फैसला। कार्यकर्ता में बहुत ही जोश और उमंग है, इस समय क्या कुछ कहेंगे? जोश उमंग है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो नाकामी है, जो भारतीय जनता पार्टी ने समाज में नफरत का बीज बोया है, जो एससी ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों का जो हक छीन रही है, और देश में जिसमें हम आप कुशीनगर के भी साथी हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर और जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं जिसको बेचना शुरू कर दी है, जिसके वजह से सभी जो बैकवर्ड क्लास के, शेड्यूल क्लास के और माइनॉरिटी क्लास के लोग हैं, उनके रोजगार के, नौकरी के अवसर खत्म होते जा रहे हैं, उनके आरक्षण को खत्म कर रही है सरकार। इसलिए हम उत्साह है कि आने वाला जो चुनाव है उसमें जनता पूरी मजबूती से इस सरकार के इस नाकामी को दूर करने के लिए, सरकार को मजबूर करने के लिए स्थानीय निकाय का चुनाव समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को जीता करके और सरकार का कान खड़ा करके सरकार को टिकने के लिए। हम लोगों को तो बहुत खुशी महसूस हो रही है, समाजवादी पार्टी ने एक जमीनी व्यक्ति को इतने बड़े पद पर बैठा है और हम लोग सब लोग स्वागत में लगे हुए हैं, जगह जगह उनका स्वागत हो रहा है और वो जमीनी व्यक्ति हैं जो बहुत बड़े पैमाने से काम करेंगे और पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति हैं। हम उनके मंगल कामना करते हैं और सब लोग हम लोग बहुत खुश हैं। नगर पालिका और नगर पंचायत का चुनाव अभी सिर पे है और इस समय काफ़ी पार्टियों में जो है जोरदार इसको लेकर के जो है हर्षोल्लास का माहौल बना हुआ है। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि इस जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में आप जो है अपने नगर पालिका या नगर पंचायत के चुनाव को फतह करेंगे? बिल्कुल जीतेंगे हम लोग, इनके नेतृत्व में हम लोग बहुत मजबूती से नगर पालिका का चुनाव जीतेंगे, नगर पंचायत का चुनाव जीतेंगे और 2024 में भी हम लोग चुनाव जीतेंगे, अच्छे अच्छे पार्टियों को हम लोग परास्त करेंगे। ठीक, हम सभी के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि एक जमीनी कार्यकर्ता को इतने बड़े पद पे बैठाया गया। जनाब शुक्रुल्लाह अंसारी जी का जिले में प्रथम आगमन है और सारे कार्यकर्ताओं में जोश भरा हुआ है। जिसे जब से जनपद में प्रवेश किए हैं, जगह जगह बहुत भारी संख्या में कार्यकर्ता जुटे हुए हैं और बड़े जोरदार तरीके से स्वागत हो रहा है और ये हम लोग के लिए बड़ी खुशी की बात है। एक जमीन से जुड़ा हुआ जब कार्यकर्ता किसी पद पर जाएगा तो अपने पार्टी को कहीं ना कहीं उसकी बुलंदियों पर लेके जाएगा। हम सभी आशा करते हैं कि आने वाले आगामी नगर पालिका, नगर पंचायत निकाय चुनाव में जिले में नए जिला अध्यक्ष के साथ एक बुलंदियों पे पहुंचे और सभी सीटों को जीतने का प्रयास करें। उसके बाद निकाय चुनाव के बाद 2024 का लोकसभा का चुनाव है, जिसमें भी समाजवादी पार्टी उनके नेतृत्व में अच्छा काम करेगी और ये भाजपा के सरकार से त्रस्त आ चुके लोगों को समझाया जाएगा कि समाजवादी पार्टी से जुड़े और भाजपा को यहाँ से विदाई किया जाएगा। जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति को आज जो है जिला अध्यक्ष के रूप में आप लोग पा रहे हैं और आप ही काफी जमीन से जुड़े हुए हैं, काफी आप मेहनत करते हैं, क्षेत्र में जाते हैं, आज आपको कैसा लग रहा है कि आपका जिला अध्यक्ष आपके लिए कैसे है? ये आज हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है। ये समझिए कि एक पर्व ही है जो इतने जोश खरोश से हल्का बूंदाबांदी भी है, उसके बावजूद भी यहाँ कार्यकर्ता डटे हुए हैं। एक कार्यकर्ता को क्या चाहिए, एक कार्यकर्ता को चाहिए कि हाँ भाई, जो आगे काम करने वाला वो हमारे जमीन से जुड़ा हो, जिससे हजार की संख्या में चार रखने वाले नेताओं को एक नेतृत्व मिल सके। नेतृत्व मिलेगा सभी आगे बढ़ेंगे। तो जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं का मौका देने से यही फायदा है कि जिसके अंदर प्रतिभा है वो बाहर निकल के आएगा